जय श्री केदार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? स्वागत करता हूं मैं आप सभी का डिवाइन स्टोरी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रेल के माध्यम से बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं, क्या सबसे आसान तरीका है बाबा केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए, और पूरे भारत से कैसे आप पहुंच सकते हैं बाबा केदारनाथ। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। कृपया वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए जो सबसे आसान और सरल तरीका है वो है, आपको रेलवे से आना पड़ेगा हरिद्वार तक। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अभी जो है हमारी रेल कि जो सर्विस है वो आपको हरिद्वार और ऋषिकेश तक ही मिल पाएगी। भविष्य में जो है आगे भी इस पे काम चल रहा है, लेकिन अभी आप हरिद्वार और ऋषिकेश तक रेल से आ सकते हैं। और हरिद्वार देश के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है रेल के माध्यम से, और किसी भी स्टेट से आप ट्रेन की रिजर्वेशन करा के आप पहुंच सकते हैं हरिद्वार तक दोस्तों। और हरिद्वार आने के बाद जो है आपके पास कई ऑप्शन हो जाते हैं यात्रा करने के लिए, आप अपने बजट के अनुसार अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपको कम बजट का ये ट्रिप बताना चाहूँगा। जब आप हरिद्वार पहुँच जाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद आप बस से आप यात्रा कर सकते हैं, और बस के अलावा आप शेयरिंग टैक्सी से यात्रा कर सकते हैं दोस्तों, या आप अपनी पर्सनल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हैं रोड ट्रांसपोर्ट से जो आप यात्रा कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, बस अगर आप हरिद्वार से लेते हैं सोनप्रयाग तक की, तो केदारनाथ यात्रा में दोस्तों जो आपको बसें मिलेंगी और शेयरिंग टैक्सी जो आपको मिलेंगी वो सिर्फ सोनप्रयाग तक ही मिलती हैं। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड पहुँचना होता है, गौरीकुंड से पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है बाबा केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले आपको पहुँचना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के लिए आप हरिद्वार से बस मिलेंगी आपको, बस स्टैंड हरिद्वार से दोस्तों, तो मात्र 450 से 500 रुपये के जनरल सामान्य किराए में आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बस से आराम से पहुंच सकते हैं दोस्तों। और मैं बस का टाइम बताना चाहूँ, इसमें बस आपके 9 से 10 घंटे आपके आराम से ले लेती है इस सफ़र में दोस्तों। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है शेयरिंग टैक्सी का, तो शेयरिंग टैक्सी दोस्तों यात्रा के समय तो हरिद्वार से डायरेक्ट सोनप्रयाग तक की भी मिल जाती हैं, लेकिन अगर यात्री कम हो तो आपको शेयरिंग टैक्सी जो है रुद्रप्रयाग तक के लिए मिलेगी। आप जाएंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से आपको टैक्सी मिलेगी रुद्रप्रयाग तक के लिए दोस्तों। जी हाँ, रुद्रप्रयाग से फिर आप गुप्तकाशी तक के लिए शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं, और गुप्तकाशी से आप पहुँच सकते हैं सोनप्रयाग दोस्तों, और सोनप्रयाग से फिर आपका अगला यात्रा का पड़ाव शुरू हो जाता है। अगले यात्रा के पड़ाव में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाएंगे, जिसके लिए वहाँ की लोकल शेयरिंग टैक्सियाँ चलती हैं, जिसमें आपसे 30 रुपये पर सवारी का किराया लिया जाता है, और वो आपको गौरीकुंड तक छोड़ देती हैं दोस्तों। जी हाँ, गौरीकुंड पहुँचने के बाद आपका पैदल ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप पैदल, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं आप पैदल भी जा सकते हैं, अगर आप घोड़े खच्चर से या पिट्ठू से जाना चाहते हैं, अगर आपके साथ कोई बच्चे हैं, तो वो सारी ऑप्शन आपके पास यहाँ आके गौरीकुंड में आपको मिल जाते हैं दोस्तों। लेकिन हम कम बजट की बात करते हैं तो पैदल ही हम इस ट्रैक को करेंगे दोस्तों। तो पैदल ट्रैक करने के लिए आपके पास इसमें कम से कम 7 से 8 घंटे चाहिए दोस्तों, अगर आप अच्छा पैदल चल लेते हैं तो 7 से 8 घंटे के अंदर आप पहुंचेंगे ऊपर केदार मंदिर तक दोस्तों। तो ये सबसे आसान तरीका है, जिसमें लगभग आप मान के चलिए सिर्फ मात्र 500 से 550 के खर्च में, जी हाँ सिर्फ, अगर मैं किराए की बात करूं तो आप हरिद्वार से 550 रुपये के खर्च में केदारनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इसमें आपके खाने का खर्चा ऐड नहीं है, वो आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप बाबा केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं और अपने बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहां आप सबसे कम प्राइस में
कम रेट में आप रुकने के लिए कमरा ले सकते हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको आने वाले ब्लॉग में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको ऐसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री केदार।